35 हो गई फाइनली, अब 36 36 35 35। 3-4 स्टेशन में घूमने के बाद फाइनली हमें एयर मिली है। 1-2 स्टेशन में तो हमने सिर्फ कॉइन डाले और मशीन्स खराब थी। हमेशा कार्ड वाली मशीन से ही करना, कॉइन वाली मशीन खराब हो सकती है। सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक कॉफी में। अब खाना खाने में भी थोड़ा मजा आएगा। जगह हमने ट्राई किया और उसमें और 23 पे चला गया। ये रही हमारी डेस्टिनेशन टैको बेल, और यहाँ पे हो रहा है खाना ऑर्डर, क्योंकि वेजिटेरियन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये शायद घर या होटल्स ही हैं शायद। तो वो ब्रिज है, डैम है जो ग्लेन कैनियन डैम, हालांकि अब ज्यादा यूज नहीं होता। सनराइज टू सनसेट ही ओपन होता है। स्पीड लिमिट 5। ये हॉर्सशू बेंड की एंट्री है। यहाँ पे कितने का टोल है? $10 पर व्हीकल, $10 वन टाइम यूज, नो री एंट्री। यहाँ से हॉर्सशू बेंड का ट्रेल स्टार्ट होता है। अभी हम पहुँचे हैं तो सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है। देखते हैं अभी कैसा आएगा, अभी भी काफ़ी लंबा रास्ता है। हमने देख लिया हॉर्सशू बेंड। ऐसे सनसेट हो ही गया था, लेकिन आफ्टर सनसेट भी उसमें अच्छे कलर्स आते हैं। भी ऐसा हो गया, बिल्कुल अंधेरा है, और हमेशा की तरह अपनी प्रथा चलाते हुए अंधेरे में वापस लौटते हुए हम लोग, लगता है हम ही सब आखिरी बचे हैं बस, है ना। सारे आगे भाग गए और हम बस फोटो खींचते रह गए। अब ये मॉर्निंग का टाइम है, जा रहे हैं अभी सनराइज देखने एंटीलोप आइलैंड। 6:47 तक हम पहुंच जाएंगे, 6:35 कुछ का सनराइज है, तो उधर रेडनेस आने लगी है सनराइज की। आई थिंक यहाँ तक कार नहीं आती, यहाँ पे कार कोई पार्किंग नहीं है, तो शायद ऊपर चल के जाना होता है देखने के लिए।
ये हमारा होटल था। अब हम यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं ग्रैंड कैनियन डैम देखने। वहाँ पे वो ब्रिज नजर भी आ रहा है। यहाँ से 5 मिनट्स का डिस्टेंस है, 1.4 माइल्स। कोलोराडो रिवर है, वहाँ पे कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। इसके अलावा कैनियन है, मतलब था ये कैनियन, तो इन्होंने यहाँ पे डैम बनाया था। ये फर्स्ट डैम है जो कोलोराडो रिवर पे बना हुआ, ये फर्स्ट डैम था जो उस समय काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा था, और इसकी ओवर फ्लडिंग से लेक पॉवेल बनी थी। अच्छा ऐसे जाओ, ऐसे टेढ़ा। This is how it looks from this cliff. तो ऐसे ये rocks हैं, चट्टाने हैं, ये हवा से ही ऐसे बने हुए हैं, ऐसे ही जो lines हैं, लेकिन सुंदर बहुत लगते हैं ये।